Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, सबकी सलामती हो जी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुदा उनका फजल आपकी जिंदगियों में मौजूद रहा होगा। Praise the Lord. Hallelujah. आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। फिलिपियों का खत, पौलुस रसूल का फिलिपस की कलीसिया को खत, उसका दो बाब और उसकी पांच आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर कुछ यूं लिखा है, गौर से सुनिएगा, ज्यादा वक्त नहीं आपका लूंगा। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Praise the Lord. आप सब खुश हैं जी? Yes. अभी जो हवाला हमने पढ़ा है, इसकी मरकजी आयत क्या थी, तो मुझे बता सकता है? हाँ जी, और जो आज मेरे अनवान है, मेरा जो कलाम सुनाने का, वो है क्रिश्चियन एटीट्यूड इन द वे ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। मसीह यीशु की बादशाही में जाने के लिए मसीहियों के रवैये। आज साढ़े रवैये बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। एक दो लोग आदि हालेलुया निकली। साढ़ा रवैया कैसा है मसीह दे विच? कोई फखर ना कह सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूं मसीह दे विच? आवाज नहीं निकल रही लोग आदि, क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट है, अंदर गिल्ट है कि यार मेरा रवैया ठीक नहीं है मसीह यीशु में, मेरा बादशाही में जाते हुए मेरा रवैया बेहतर नहीं है। आज ये जो रास्ता है जो बादशाही को जा रहा है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं और बहुत सारी मुश्किलें हैं, और इसमें हमारा रवैया जो है वो बड़ा काउंट करता है। रवैये बहुत सारे तरीकों के हैं, जैसे एक सैड रवैया है, एटीट्यूड एक सैड एटीट्यूड होता है। किसी के घर जाओ ना तो कुछ वेख के बंदा कहता है, भैन तू वड्डी उदास क्यों लग रही है अज? वो भी अगो कहती, भरा तेन मैं की दसा, हालात ही अंजे हो पे ने, पेट्रोल फिर 309 रुपए कर रहे हैं, उन्हें जिम्मे मोटरसाइकिल से जाना तो बंद ने ना, लेकिन परेशानी तो है ना, है तो बंद के भी चेहरे अजकल उतरे हुए हैं, क्योंकि ये आपका रवैया जो है ये आपके सफर का तयन करता है। आपका रवैया जो है आपके सफर का क्या करता है? तयन करता है। पहली बात जो इससे रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमने पढ़ा कि वैसा ही मिजाज रखो। मिजाज को कहते हैं इंग्लिश में एटीट्यूड, रवैया। ठीक है जी, इस पर गौर करिएगा, हम इसी बात में रहेंगे, इसी दायरे में रहेंगे। और पहली बात, इसराइली जब मिस्र से निकले तो उन्होंने कहां जाना था, कोई मुझे बता सकता है?
मुल्क कनान में जाने का वहां से जो सफर था वो कितनी देर का था? 40 दिन का था, 40 days। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 40 दिन का वहां से जो था मुल्क कनान का जो था सफर था, वहां जहां दूध की नदियां बहती हैं, जहां शहद है, जहां पर खुशहाली है, जहां पर शादमानी है, जहां पर कोई दुख नहीं है, जहां पर मेरे लोग आजाद होंगे, जहां पर मेरे लोग शादमानी के साथ मेरी प्रस्तुति करेंगे, हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी वहां पर थी। और एक खूबसूरत तरीके से, मौजज़ाना तरीके से खुदा ने मुल्क मिस्र में से इसराइलियों को क्या किया? निकाला, अपने जोर के साथ, कुव्वत के साथ वहां से निकाला। अब होता क्या है, इस कहानी को सारे जानते हैं, स्टोरी को हर बंदे ने पढ़ा हुआ है बाइबल मुकद्दस में से। अब जैसे ही इसराइली निकले हैं तो पहला ही रवैया उनका बदला जब समंदर उनके सामने था। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? आज साढ़े सामने भी ऐसे बहुत सारिया मुश्किलें ने जड़िया समंदर दी मानद लहर के नाल साढ़े ले वध रही। और सुनामी कितने लोग जानते हैं कि सुनामी का नाम सुना है कभी किसी ने? सुनामी किने सुनिया? जरा हाथ खड़ा करो। घाटी लोग ने, वड़े वड़े लोग जानते। सुनामी एक पानी का वो तूफान होता है जिसकी जद में कोई भी चीज आ जाए, कोई भी चीज आ जाए वो उसको तैता कर देती है, फना कर देती है। और शायद आज हमारे रवैयों के सबब से, असल में समंदर ने करना कुछ नहीं था, मूसा सामने था, जो खुदा उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, क्या वो समंदर से उनके गुजार कर लेकर नहीं जा सकता था? रास्ता और भी था, ऊपर से भी रास्ता था, एक वहां से भी वो जा सकते थे, लेकिन खुदा उन्हें किसी पर्पज के सबब से समंदर वाले रास्ते से लेकर गया। आज आप अगर पाकिस्तान में हैं, दुख सह रहे हैं, मुसीबत सह रहे हैं, इसका मतलब इसके पीछे खुदा की कोई मर्जी है कि आप अपने रवैये को बेहतर करें। मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बहनों, मेरे भाइयों? अगर आप बीमारी को फेस कर रहे हैं, अगर आप मुसीबत को, परेशानी को फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा किराया फेस कर रहे हो, बहुत सारी और ऐसी चीजों को जो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उनको फेस कर रहे हैं, इसके पीछे जाने के रीजन क्या है? अब इसराइलियों का रीजन ये था कि जैसे ही समंदर उनके सामने था और पीछे फौज थी मिस्रियों की, उन्होंने शाउट करना शुरू कर दिया, उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। और क्रंथस की कलीसिया के नाम जो खत है पौलुस रसूल का, उसमें पौलुस रसूल उसको मेंशन भी करते हैं, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जैसा उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से क्या हुए? हलाक हुए। ऐसा हमारे साथ हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? असि अपने बंदियां चला रहे हैं, बंदे बुढ़िया चला रहे हैं। तू घर का सही तरह इंतजाम नहीं कर दी, अगो बुढ़ी कहती तू कि मैं लिया के देना है, तू कि मैं सही लिया के देना है कि जो सही पर इंतजाम करिए। अद्धे पैसे तो किराए से चले जाते हैं, अद्धे कर्ज वाला लै जाता है, इन्हें इतने लग जाते हैं, उन्हें इतने पकाइए की, खाइए की, करिए की। अच्छा, इसमें अब जो समझने वाली बात है, रवैया दोनों दिन ही ठीक है, इतफाकी नहीं है, मिजाज अच्छा नहीं है। अगर आपका मिजाज अच्छा हो, अगर बीवी अपने हस्बैंड को देखो जी हालात है इतने हो गए ना, तुसी एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत कर लो, चलो काम ते नहीं मेहनत करनी ते घुटने टेक लो खुदा दी जोरी च, एलिया दी तरह कवे रोटी लेके आना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ऐसा हो सकता है, ये आपके रवैयों पर डिपेंड करता है। अगर सामने समंदर था तो उसके पीछे इसराइलियों का रवैया बड़ा मेंशन करता था। जैसे ही उन्होंने शाउट करना शुरू किया, मूसा कलामे मुकद्दस में लिखा कि हलीम आदमी, ऐसा हलीम आदमी के जो दुनिया जैसा हलीम आदमी कोई नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा 6 लाख मर्द जो थे मिस्र में से निकले थे, कितने? 6 लाख होना दिया, बुढ़िया ला लो किन्ने हो गए? 12 लाख। चलो दो दो बच्चे भी ला लो नाल, किन्ने हो गए? 24 लाख। उस टाइम च 2 लाख, दो दो बच्चे नहीं होंगे सर, बच्चे तो काफी काफी हो जाते, बुढ़िया भी किनिया किनिया कर लेंगे, है
ऐसा अवनत है अनगिनत लोग और एक कल्ला बंदा मूसा। साहब लाओ कि कोई 24-25 लाख 30 लाख बंदा अगर कट्ठा होंदे ते चलाए उन्हें ऐ कवे कि तू सानू मरण आस्ते लाया है ते की मूसा दी आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। लेकिन मूसा का रवैया इतना बेहतरीन था कि मूसा ने उसी वक्त, मैं समझता हूं कि घुटने टेके होंगे, खुदा से बात की होगी, उसने लोगों की बातों पर कान नहीं लगाया होगा। आज साढ़े कान बड़े कच्चे ने, क्रिश्चियन एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। क्रिश्चियन एटीट्यूड में आपकी हर एक चीज बड़ी मुस्तनद होनी चाहिए, आपके कान, आपकी आंखें और सबसे तेज आपका जहन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और उससे भी ऊपर आपका ईमान खुदा पर होना चाहिए। आमीन। साडा ईमान आजकल असल च उथे नहीं है। मुझे एक हवाला याद आ रहा है, जबूर 121 क्या लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ क्या करूंगा, लगाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी कुमक खुदावन से आएगी। अब इसका एटीट्यूड कितना खूबसूरत है, जबूर नबी इसका एटीट्यूड जो है वो बड़ा जबरदस्त है। वो कहता है कि मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी कुमक खुदावन से आएगी, क्योंकि उसकी आंखें खुदावन पर लगी हुई हैं। आज साड़ी आंखा और बड़ी जगह से लगी हुई है, काम वाले से लगी ने, काम वाला ही पिसी जा रहा है, पिसी जा रहा है, उनके को चर्चा से टाइम ही नहीं निकल रहा। उसका रवैया, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई है। वो घर आंदा बच्चियां ना बोलता है, बाहर जाता है काम वाले नु गाला कटदा है। मैंने देखा ऐसे, मैं जब ऑफिस में था, लोग घरों भी तपे आते बुढ़िया को, ऑफिस आके अफसर को तपे होंगे, फलाना मेनू काम टिकन नहीं देता, घर च भी नहीं सुकून, बाहर च भी नहीं सुकून, बंदे की जिंदगी अजीरन हुई होती है। ते माफी दे नाल जिहड़ियां भैणां काम ते जांदियां ने उहनां दा वी आई हाल, घर आउंदे ने बच्चियां दी अनस्टेबिलिटी, बाहर जांदे ने काम वाले नहीं टिकन देंदे, और बहुत सारी ऐसी चीज। लेकिन अगर इस सारे सुनैरियों में आपने कोई चीज बेहतर करनी है तो वो अपना रवैया बेहतर करना है। आमीन। अगर आपका रवैया बेहतर हो जाएगा तो आसमान आप पर खुद ही खुल जाएगा। आमीन। इससे भी ऊपर बात, जैसे ही अगर उस दिन, मैं समझता हूं उस दिन मूसा का रवैया भी अगर गुस्से वाला हो जाता कि खुदावंद वाकई तू सानू मरण आसे ले आया, कदी भी समुंदर दो हिस्से नहीं होता। इससे इससे एक सबक और हमें मिलता है कि अगर सारे गलत ने तो इंदा मतलब नहीं कि तुसी भी जड़ा गलत हो जाओ। वो एक मिसाल सुनी है कि अंधा अंधे को क्या करता है, राह नहीं दिखा सकता। ऐसा हुआ तो दोनों क्या करेंगे, गड़े में गिरेंगे। अब मूसा जो है, मूसा को तो पता है कि खुदा ने मिस्र में क्या किया, ओले बरसाए, खुदा ने मिस्र में क्या किया, टिड्डियों को भेजा, उसने तो देखा है, उसने तो पानी को जो है वो खून होते हुए देखा है, उसने बड़े बड़े मौजे होते हुए देखा है, और सबसे बड़ी बात, इसराइलियों के खेमे जल रहे थे और मिस्रियों के खेमों में रोशनी नहीं थी। उसने देखा था, उसने अपनी आंखों, हमने भी अपनी आंखों से बड़ा कुछ देखा है, लेकिन हम ईमान नहीं रहे, इसलिए मौजे नहीं हो रहे, इसलिए जिंदगियां खाली हैं। हमारा रवैया इस तरह क्या है कि ओ चलो, ओ बीवी कोई गल नहीं, दुआ ही करनी ना, घर बह के कर लेने, चर्च जान की क्या जरूरत। ये हमारा रवैया है, हैं? कई बार हमें एक दूसरे को सहारा देना पड़ता है, हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना पड़ता है। कलाम मुकद्दस में लिखा कि अगर एक ठंडा है तो उसके साथ जा, वो गर्म हो जाएगा। ऐसा ही है जी, आप वास की किताब में लिखा है, उसको गर्मी देने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। इसके रूहानी मतलब है, इसके रूहानी मतलब ये है कि अगर कोई ठंडा हो गया तो उनके कोल जाओ, उन्हें हिलाओ, उन्हें शेक करो, उन्हें कह भाई जाग, यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन हमारा रवैया इस तरह का है कि असि दूसरे का ईमान भी लै डुबने। ठीक है जी, मूसा का रवैया एटीट्यूड ऐसा था कि समुंदर दो हिस्से हो गया। क्या आपका ऐसा रवैया है कि अज तुहाडियां मुश्किलां तुहाडे तो कोसों दूर होके लंघन? ओ नहीं हो भैया, ईमानदार आदमी, इन्हें तो सानू भुआ भुआ के मारना है। ऐसा है रवैया? हमारा रवैया किस तरह का है मैं आपको बताता हूं। यरू, ये इसराइलियों का सफर जारी है और उन्होंने यरू पर कब्जा करना था, और क्या हुआ, जब ये जा रहे थे इसराइली,
तो उन्होंने क्या किया, मुल्के कनान में 12 जसूस भेजे। क्या किया? 12 जसूस भेजे मूसा ने कि जाओ वो शहर, वो मुल्क जो खुदा हमें देने वाला है, देख के आओ, दरियाफ्त करो कि कैसा है। 12 लोग गए, 12 पीपल, और 12 में से जब सारे वापस आए जसूसी करके, तो 10 ने, 10 का रवैया इस तरह था, इस तरह का था, उन्होंने कहा ऐ मर्दे ईमान, ऐ मर्दे खुदा, मूसा वहां पर ना जाना, वहां पर लोग कदावर हैं, वहां पर लोग मार डालेंगे, वहां पर तो लोग जालिम हैं, वहां पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस मुल्क में कब्जा करने के लिए ना जा। लेकिन उनमें से 2 लोगों का ऐसा रवैया था जो बड़ा पॉजिटिव था, जो बड़ा जबरदस्त था, उनमें से यशवा और कालब का रवैया इस तरह का था, उन्होंने कहा मूसा मर्दे ईमान, इन 10 लोगों की बात पर कान ना लगा, ध्यान ना दे, क्योंकि हम तुझे जो बताएंगे वो भी सुन ले। उन्होंने कहा कि उस मुल्क में जैसा खुदा ने कहा था दूध और शहद बहता है, वहां पर बड़ी बड़े जो है वो बरकते हैं, वहां पर जो है वो हर किस्म की जो है वो सब्जी है, हर किस्म का फल है, हर किस्म की रहने के लिए आसाइश है, वो मुल्क हमारे रहने के लिए बेहतरीन जगह है। अब देखिए रवैया कैसा है 10 लोगों का और उन 2 लोगों का। हमारा इस तरह का एटीट्यूड है कि जड़ी बरकत आनी नहीं होती ना, असी उन्हें भी दूर कर देने, कह के क्या खुदा हमें गाड़ी देने की कुदरत नहीं रखता, क्या खुदा हमें घर देने की कुदरत नहीं रखता, रखता है ना, तो फिर सानू ईमान भी उनका रखना चाहिए ना, रखना चाहिए ना। असी किराया ते धक्के खा रहे हैं, मैं भी बेची हाँ, लेकिन हम उस जो चीज जो धुंधली सी है उसको क्लियर होता हुआ देख रहे हैं। आमीन आमीन। पौलुस रसूल कहता कि अभी तो धुंधला सा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब सब कुछ आईने में साफ दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए हमें अपना एटीट्यूड क्या करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, अपना रवैया बदलना पड़ेगा, सानू दुआ करनी पड़ेगी, सानू एफर्ट करनी पड़ेगी। अब जो हमने हवाला पढ़ा था, यहां पर लिखा है कि मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या किया, अपने आप को खाली कर दिया, ते असी इन्ने आकड़ चुने हैं, अन्ने आकड़ चा असी उतले नू थलड़े नू नू बुलांदे हैं, उत्ते थले नहीं सेटिंग, नाल दे कमरे वाले दे नाल इंज दी साडी गुथम गुत्ती होई है कि मैं तुहानू दस नहीं सकदा। हम लोगों के घरों में विजिट करने के लिए जाते हैं, जब ते वो नाल दी जड़ी ननान या दरानी या जठानी वो इक्को घर च रह रही ने, तो उन्होंने मूंह नहीं सीधे होंगे। ये हमारा क्रिश्चियन एटीट्यूड है। क्या बाइबल ये कहती है? मुझे कोई एक बंदा बता दे कि बाइबल कहती हो कि अपने हमसाए ना जड़ी ये नफरत रख, ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, बल्कि ऐसा लिखा हुआ है कि तू अपने हमसाए से, पड़ोसी से अपनी मानिंद नफरत रख। नहीं नहीं, नफरत रख, मोहब्बत रख। तुम तो सारा पता है, फिर भी क्यों साढ़े रवैये अज दिन है? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा जागो और दुआ ना करो, जागो और दुआ करो है, जागो और दुआ करो, जागो और दुआ ना करो, दुआ करो। तो आपको तो सब पता है, बल्कि ये लिखा है जागो और दुआ ना करो ताकि अजमाइश में ना पड़ जाओ, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? मुझे कोई आयत सुना सकता है ये पूरी? यीशु मसीह ने क्या कहा अपने शागिर्दों से? ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज जैसी आजमाइश से गया क्योंकि ऐसी दुआवा नहीं करते, साढ़े रवैये बेहतर नहीं है, हमारा रवैया अपनी जठानी के साथ ठीक नहीं है, अपनी दुरानी के साथ ठीक नहीं, सानू साड़ी सोच बेहतर लगता है, हमें लगता है कि मैं ठीक हाँ, मैं कार आना तो मेरी आओ भगत होनी चाहिए, मैं साहब हाँ, मैं अफसर हाँ, है मेरा जड़ा हुक्म है मना। ओ भाई अपने आप को तोड़, कुछ ओंदी मान लै कुछ अपनी मना लै, ऐसे ही होता है ना, कुछ तू मां प्यो दी मान लै कुछ अपनी मना लै, कुछ मां प्यो तेरी मान लैन कुछ, इसी तरह ही सारे सफर चलते हैं। और अगर हम इस तरह नहीं चलेंगे, अपने रवैयों को बेहतर नहीं करेंगे, तो जो दोजक का ईंधन है वो हमारा इंतजार कर रहा है, साढ़े लिए
उन्होंने रिजर्व रखा है प्या है सानू साड़न वास्ते। खैर असी इत्थे सड़दे ते इत्थे भी बड़े हैं, सड़ सड़ के साडे खून सड़ गए ने, साडा बीपी वध जांदा है सड़ सड़ के, लेकिन असी अपने रवैये नहीं ठीक करते हैं। असी टस्त मस नहीं हुंदे, बचपन तो वड्डे होए हो उसे रवैये च मर जाने। कब बदलेंगे, कब? अपना मिजाज ऐसा रखो जैसा मसीह खुदावंद का था। आप मुझे कोई, आप में से कोई एक एक मुझे बता सकते हैं यीशु मसीह का मिजाज कैसा था? जी कोई मुझे बता सकते हैं? जी जी हलीम, हलीम बड़ी बड़ा अच्छा मिजाज बताया। और फरोतन, और कलीसिया में से मोहब्बत रखने वाला, और आजजी, और जी बाजी अतिया, एक दूसरे का चाचू तो ही दसी जाने सारे। हाँ जी, और कोई? फरोतन, हलीम, आजजी, इनकसारी, सब हमें पता है लेकिन साड़ी जिंदगी च नहीं। जिन्हों असी मानने आ सानू उनकी जिंदगी च अच्छा लगता है। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना किसी सामने, ओ यीशु ते माफ करने वाला है, असि दूसरों को दस रहे यीशु ते माफ करने वाला है, ते आप असि माफ नहीं करते। आप असि 20-20 साल पुरानी गल्लां दब के बैठे होने, उतली मंजिल ते दब के बैठे होने हैं। किसी ने बारो ही भला कन्ना च कोई गल मारी उन्होंने तो उत्ते कमरे च थले नहीं आता है, इन्हें मेरे बच्चे नू ऐ क्या भला, उन्हें क्या भी ना हो। रवैया साडा, हम कभी भी निगोशिएट नहीं करते, हम नीचे जा अपने भाई से पूछ, क्योंकि बाइबल मुकदस में लिखा है कि इससे पहले कि तू कुर्बानगाह पर जाए, हाल परसों तो थोड़े दिन पहले पापा गाल पढ़ा रही थी कि इससे पहले कि अगर तूने कुर्बानी देनी है तो कुर्बानगाह पर जाए, पहले अपने भाई से क्या कर, सुलह कर, फिर आकर क्या कर, कुर्बानी दे। इतने असी हाथ चुक के अड्डिया अड्डिया वड्डिया बाहां ला के अज दुआवां कर रहे होंगे, उत्ते थले गलबात नहीं बनती, तो दुआ कबूल होगी? दिल में नफरत है, दुआ कबूल होगी? दिल में बोझ है, बुगज है, लालच है, नफरत है, वह ताड़ी जिंदगी च मौजा होएगा? नहीं होएगा, रवैया नहीं उस तरह का। पहले अपने आप को नरम करें, तोड़े। भाई अदनान ने कहा कि हलीम, हलीम पता है किस तरह से बनती है? मेहनत किन्नी लगती, कोई मैं दस सकता है? उन्हों घोटना पैंदा, घोटी जांदा बंदा, घोटी जांदा वो भी सियाने को सुने कहंदे ने कि कोल ही रहना पैंदा होंदे हैं, किते गिल्टियां ना विच बन जा। हां जी जी हैं, ते अगर इंसान दी जिंदगी च गिल्टियां अड्डियां अड्डियां वड्डियां गियां, फिर वो की खत्म करने की जरूरत है कि नहीं है? बड़ी बातें मेरे पास लिखी हुई यहां पर, सिद्रक मिसक अबदनजो, द ग्रेट वॉरियर्स, इतने कमाल सूरमा थे कि उन्हें कहा गया कि मूर्ति को क्या करना है, सिजदा करना है। अब उनका एटीट्यूड देखें, जो लोग ये मैसेज लेके आए उन्हें क्या कह रहे हैं कि बादशाह को कह दो कि हम जिंदा खुदा के अलावा सिजदा नहीं करेंगे किसी को। हालेलुया, हम जिंदा खुदा के अलावा क्या करेंगे? सिजदा नहीं करेंगे। मारना मार दो, काटना काट दो, जलाना है जला दो। इतने सी की करने हैं, मौत के पीछे नचने होने, उन्होंने कहा फेंक दो, उन्होंने कहा आग की भट्टी में फेंक देंगे, उन्होंने कहा फेंक दो, कोई बात नहीं। ये रवैया होता है खुदा की बादशाही में जाने के लिए। और जब हम इस तरह के स्टांस लेते हैं, इस तरह के जब हम कदम उठाते हैं, जब हम इस तरह का रवैया रखते हैं, उन्होंने कहा कि जब आग की भट्टी में डाला तो कितनी गुना आपको बढ़ा दिया गया? 7 times, 7 गुना, ठीक है। उन्होंने आग जलाई, तेज की थी, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, उनके अपने हाथ जलना शुरू हो गए। इतनी आग की तपिश थी कि वो खुद जलना शुरू हो गए, और जो 3 लोग अंदर हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इलाज ज्यादा उनके साथ है, उनका रवैया जो है वो पॉजिटिव है। हालेलुया, आपका रवैया आपका मौजजा तय्यून करेगा, आपका रवैया जो है वो बताएगा कि आपकी जिंदगी में मौजजा होगा कि नहीं होगा, ठीक है जी। दाऊद,
मुझे, मैं जब भी दाऊद को देखता हूं तो मुझे बड़ी बहुत सारी इसके ताल्लुक से बातें याद आती हैं। दाऊद का ऐसा रवैया, इसराइली सारे इसराइली जो फौज में उस वक्त साउल के साथ थे, इवन साउल बादशाह था, हर रोज फिलिस्ती निकलता है, गौर से सुनिएगा मेरी बहनों मेरे भाइयों, गौर से सुनिएगा, हर रोज लिखा है कि हर रोज क्या करता था फिलिस्ती, निकलता था जाति जूलियत और क्या करता था, इसराइल की फसीहत करता था, उनको बुरा भला कहता था। आज बहुत सारी मुश्किलें परेशानियां रोज हमारी जिंदगी में आती हैं, कई थे नागहान आफतें ही आ जाती, एक्सीडेंट हो गया, फलाना काम हो गया, टमकाना काम हो गया, परेशानियां, बंदा परेशान होके फिर किसी के द्वारे जाता है, किसी के द्वारे जाता है, लेकिन इन सब को रोकने से पहले एक काम होना चाहिए आपकी जिंदगी में। जब भी आपकी जिंदगी में रोज जाति जूलियत आता है मुसीबतों की शक्ल में, तो दाऊद की तरह उसे कहे कि मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे सामने आया हूं। हालेलुया, किसके नाम से? जिंदा खुदा के नाम से। ठीक है, उसे बड़े लोगों ने रोका, बादशाह ने भी रोका, वो बच्चा अभी, उसके भाइयों ने उसे कहा तू बच्चा है, तू नौजवान है, अभी 17-18 साल तेरी उम्र है, उसको देख वो दे दानव है और वो तो मार देगा तुझे, खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा। उसको डराया गया, ईमानदार नु जिन्ना दबाओगे उन्ना ही उत्ते आंदा है। हालेलुया, ईमानदार को जितना दबाया जाता है वो अपने ईमान के सबब से उतना ही ऊपर आता है। लेकिन अफसोस ये है कि आज कलीसियाओं में ईमान नहीं है, सॉरी टू से, हमारे लीडर्स भी ऐसे, माफी के साथ, सो एक्सक्यूजेज है, सो बहाने हैं। खुदावंद की बादशाही में जब हम जाएंगे, जब अदालत का सामना करेंगे, उस वक्त हम क्या एक्सक्यूज देंगे? मैं बीमार था, मेरी बीवी ने मैनू आंदे दी है, और बहुत सारे मसले मसाइल क्या करते हैं, मेरी बीवी मैनू रोक दी है, पीछे फोन कर दी है, मेरी खिदमत जो है वो तूने दी है खुदावन, तूने दी थी, बीवी भी तू ही देती, क्या हम इन बातों पर ओवरकम नहीं कर सकते? ओवरकम तब होता है जब हमारा रवैया दुआ वाला हो। आमीन। साडा रवैया दुआ वाला नहीं, साडा रवैया मोहब्बत वाला नहीं, साडा रवैया मुआफी वाला नहीं, साडा रवैया कुर्बानी वाला नहीं, साडा रवैया अगे वधन वाला नहीं है, साडा रवैया जिहड़ा है देण वाला नहीं है। अज साडे इन्ने कु रवैये खराब ने कि मैं तुहानू दस नहीं सकदा। इसलिए खुदा दा रवैया भी साडे लिए खराब होया है। एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं मंजूर साहब से गुस्से में बात करूंगा तो मंजूर साहब भी मेरे ना गुस्से च गल करेंगे, मैं अगर बदतमीजी से हदायत साहब के साथ बात करूंगा तो वो भी मुझसे बदतमीजी से बात करेंगे। अगर आज मेरा रवैया खुदावन दे लिए खराब है तो ताड़ा की ख्याल है कि मौजा होएगा नहीं होएगा? जाति जूलियत जब निकला, दाऊद को बड़े लोगों ने रोका, उसने कहा नो, I will not compromise. मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि इस शख्स ने खुदावंद के नाम की फसीहत की है, इस शख्स ने खुदावंद के नाम की बेइज्जती की है। और जो सी रोज उठने या रोज सो जाने या, ना दुआ ना अपनी बुरियां चीजा छड़ने या, सूद ते पैसा असी देने या, सूद ते पैसा असी लेने या, नशा हम करते हैं, सिगरेट साडे को नहीं छोड़ती, पान और बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें, वो साडा रवैया कहो जे, फिर असी कहने हैं इन्ना पैसा कमाईदा लेकिन किथे चला जांदा। ओ कलामे मुकद्दस में लिखा जदों तेरा इंज दा रवैया हो जाएगा ते मेरा रवैया कहिंदा होएगा कि मैं तेरी थैली च सुराख कर देंगा, सबको पता है, मैं फिर तेरे बच्चे गुलाम बन जाएंगे, मेरा रवैया इंज दा होएगा। समझ रहे आप बात को? हमारा रवैया किस तरह का हो जाएगा? समझ रहे मेरी बात को? और दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उसी वक्त, उसके पास सिर्फ ये आखिरी बात कह के इसको खत्म करूंगा, मैं एक इंटरनेट पर कोटेशन पढ़ रहा था, वहां पर लिखा कि उस दिन दाऊद ने उस वैली में से, उस वादी में से जहां पर बॉर्डर था फिलिस्तीनियों का और इसराइलियों का, उस वैली से, उस जगह से 5 पत्थर उठाए। क्या किए? 5 पत्थर उठाए और
उसने उसके पास एक थैला था और एक फलाकन था, उसे जरबख्तर पहनाया गया और चीजें दी गई, हेलमेट पहनाया गया, वो काफी वजनी था उसके उसकी एज के मुताबिक, हिस्टोरियंस कहते हैं, और वो वैसे ही चला गया। और जाती जूलियत भी उस पर हंसा, उसने कहा कि तू मुझे कुत्ता समझता है, कि तू मुझे एक लाठी और फलाखन लेके तू मुझे मारने के लिए आ गया। उसने कहा यस, हाँ मैं तुझे कुत्ता ही समझता हूं, क्योंकि तूने इसराइल के जिंदा खुदा की फसीहत की है, तू भाला और बर्छी लेकर मेरे सामने आया है, लेकिन मैं जिंदा यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। हालेलुया। कभी आपने कहा है, कभी आपने कहा है मुसीबतों में खुदावंद के नाम से तुम्हारे सामने खड़ा हूं, खड़ी हूं, कहा है किसी ने कभी कोई हाथ खड़ा करके कहे? लेकिन आज मैं कहांगा कि तुसी कहो। किन्ने लोग परेशान ने, सारे परेशान ने, हाथ खड़ा करके कहो परेशानियों असी यस्सू दे नाते तुहाडे सामने आने। हालेलुया। कहो कहो जो जो तुहाडी प्रॉब्लम ने उन्हों सामने रख के कहो, अज प्रॉब्लम मैं यस्सू दे नाते तेरे सामने खड़ा हूं। कहो जरा उच्ची कहो, जरा आवाज नहीं आ रही मैंने, हम यस्सू के नाम से तेरे सामने आते हैं। अगले संडे मैं गवाही सुनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। और उसने क्या किया, एक फलाखन लिया, घुमाया सीधा उसके सर में, उसने खोद पहना हुआ था हेलमेट, लोहे का हेलमेट, ओनू विचो पार करके लंघ गया और मर गया। उन्दी गर्दन दे नाल ही उन्दी जड़ी रहा, उन्दी तलवार दे नाल ही उन्दी गर्दन काटती, जाति जूलियत की। और हिस्टोरियंस कहते हैं उसने पांच पत्थर इसलिए उठाए थे क्योंकि जाति जूलियत पांच भाई थे, और वो उसके जेहन में ये था कि अगर उस दिन उसके चार भाई और भी आ जाते वो खुदा के नाम में उनको भी मार देता। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर कर्जे दी खाली, मैं तुहानूं इह दसना चाहना कि आज अगर कर्जा ही खाली तुहाडी मुसीबत नहीं है ना, और भी ने, तो याद रखो कि तुहाडे को रिजर्व यीशु दे लिए बहुत सारे हथियार ने। हालेलुया। तुसीं हर एक चीज नूं मारन दी काबिलियत रखदे, लेकिन अपना रवैया देखो, अपने रवैये को बेहतर करें। अगर ताड़ा रवैया बेहतर नहीं तो तुसी मौजा नहीं हासिल कर सकोगे। मैनू पता है दूसरे जिहड़े कलाम होए ने उन्हां दी तरह तुसी घर जाओगे फिर भुल जाओगे चीजां, लेकिन मैं ईमान रखना कि ए कलाम ताड़ा पिछा करेगा। आमीन। मैं गवाही सुनना चाहना इस कलाम दे वसीला दे नाल, अपना रवैया बेहतर करो, मुहब्बत इंकसारी एक दूसरे दे नाल सुलह, जिहड़ा काम यीशु मसीह ने दस्या इत्थे, और जिहड़ी अगे गल लिखी है सुनना जरा, बड़ी खूबसूरत गल लिखी है, लिखा है और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। कौन सा नाम? आला। खुदा आपको भी आला नाम बख्शना चाहता है। हालेलुया। अगर आपका रवैया बेहतर होगा, यीशु की तरह आपका मजाज भी होगा, तो आपको भी आला नाम बख्शा जाएगा। टाइम बड़ा हो गया, मैंने और बहुत सारी चीजा याद आ रही है, खुदावंद पाकरू मैं याद करा रहा और चीजा। एक एक बात और यहां पर जरूर आपकी मोटिवेशन के लिए जरूर कहना चाहूंगा, कितने लोग दीनाकरण को जानते हैं, पास्टर दीनाकरण? सिर्फ विकास जानता है या पापा जी जानते होंगे? पास्टर दीनाकरण इंडिया से ताल्लुक रखते और उसके ताल्लुक से वो बड़ा रोने वाला नबी था, उसको इंडिया में यर्मिया की मुशाबा ठहराया जाता था, यर्मिया की। और वो कहता कि एक दिन मैं दुआ, और उसकी दुआ का दुरानिया बड़ा जबरदस्त था चेन्नई में उनकी खिदमत। वो कहता कि जहां पर मैं घुटने टेक के दुआ करता हूं वो जमीन जो थी ना वहां पर घुटनों के निशान बन गए। क्या हुआ? घुटनों के एने उन्हें घुटने टेक के खुदावंद की हुजूरी च जमीन च सराख हो गई। हमारी दुआ तो बिल्कुल फारिग है, 5-10 मिनट कोई दुआ का लेवल नहीं, फारिग। कहता एक दिन जब मैं घुटनों के बल था तो मुझे आसमान से खुदा का फरिश्ता उठाकर ले गया और मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ था। और एटीट्यूड की बात बता रहा हूं मैं, एटीट्यूड की। कहता कि मैं आसमान पर चला गया, आसमान पर जब मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो मेरी मुलाकात यीशु मसीह से भी हुई। यीशु मसीह ने मुझे कहा कि दीनाकरण तू बड़ी खूबसूरत खिदमत कर रहा है, मुझे अच्छा लगा तुझसे बात करके, तुझसे मिलके, तू चाहता था कि मैं तुझसे बात करूं तो मैंने तुझे आसमान पर ही बुला लिया। और जब वो उससे बात कर रहा था तो वहां से एक सामने से एक शख्स आ रहा था,
और वो कहता कि उसकी हाइट छोटी थी, टॉल शॉर्ट हाइट था, और उसका मैंने ये बात काफी दफा बताई है, वो कहता कि उसकी हाइट छोटी थी और उसके जिस्म पर चीजें चमक रही थी, और जैसे उसको देख रहा था आंखों में, वो कहते हैं पंजाबी च कहते लचकारा, लचकारे पै रहे थे अखां च, शाइन हो रही थी, चमक पड़ रही थी आंखों में, और मैं ठीक से उसको देख नहीं पा रहा था। दीनाकरण कहता है जैसे ही वो मेरे नजदीक आया तो वो चमक बढ़ती गई, और मैंने यीशु से पूछा, जीसस हु इज दिस मैन। यीशु ने स्माइल किया, यीशु ने हंस के बोला से कि दीनाकरण मेरे बेटे ये पौलुस है। उसने कहा ओहो पौलुस रसूल। उसने कहा तो ये इसके जिस्म पर क्यों इतनी चमक है, क्यों ये इसका जिस्म जो है वो चमक रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि इसका रवैया दुनिया की मनफी चीजों की तरह नहीं था, दुनिया ने इसे दबाना चाहा लेकिन उसने इनका इनकार किया, और जितनी मुसीबतें इसने जमीन पर सही हैं वो अब आसमान पर उसके जिस्म पर सितारे बनकर चमक रही है। हालेलुया, क्या कर रही है, सितारे बनकर चमक रही है। ये इसका रिवॉर्ड है, ये इसका इनाम है, ये दुनिया के लिए नमूना ठहरा है। सो मैंने इसको बरकत दी है। अब आपकी बारी है, आप अपने रवैये पर गौर करें, कहां पर जा रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत दे।